हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं राजरानी टाइम्स और आज हम बनाने वाले हैं कद्दू की एकदम नई और शाही रेसिपी जो अब तक आपने नहीं खाई होगी और देखते ही खाने का मन करेगा। बहुत ही अलग तरह से बहुत ही टेस्टी ये बनकर तैयार होती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने जो कद्दू लिया था उसे धुलकर छील लिया था और ग्रेट कर लिया है यहाँ पर। तो इसमें हमने आधा चम्मच अजवाइन ऐड की है, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है, आधा चम्मच से थोड़ा कम हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और यहाँ पर हमने दो चम्मच बेसन लिया है। बेसन की मात्रा हमें ज़्यादा नहीं करनी है, यदि बाइंडिंग नहीं होती तो थोड़ी सी आप बेसन की मात्रा बढ़ा सकते हैं और आधा चम्मच से थोड़ा कम नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और डो की तरह बनाकर तैयार करेंगे और इससे अच्छे से बॉल की तरह बनने लगे, इस तरह का हमें इसे बनाकर तैयार करना है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक बार चेक कर लेंगे और इसे हम हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे जिससे कि जब हम इसकी बॉल बनाएंगे तो ये क्रिस्पी बनके तैयार होंगी। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है और इसे हम एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें हमने 1 पिंच के लगभग हींग डाली है, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है और ये अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा डो बनके तैयार हो गया है। इसके बाद हम इसे रख देंगे और कढ़ाई गर्म कर लेंगे। तो कढ़ाई यहाँ पर गर्म हो गई है, कढ़ाई हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गैस पर ही हम इसे फ्राई करेंगे जिससे कि ये अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाए और बाहर से भी क्रिस्पी हो। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, कढ़ाई में हमें तेल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तो मीडियम गर्म ही हम तेल को करेंगे और गैस को भी मीडियम रखेंगे। तो इसी तरह से हम एक के बाद एक सारी ही बॉल बनाकर तैयार करेंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। और ये बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं और इसकी जो हम सब्जी बनाकर तैयार करेंगे वो बहुत ही टेस्टी बनेगी। जो कद्दू नहीं खाते होंगे वो भी इस रेसिपी को देखने और खाने के बाद कद्दू की सब्जी को पसंद करने लगेंगे, तो बहुत ही बढ़िया बनती है। तो एक बार आप जरूर ट्राई करें। तो इसी तरह से हम सारी ही बॉल्स बना लेंगे और कढ़ाई में जितनी बॉल्स आती हैं उतनी ही हम डालेंगे, एक्स्ट्रा नहीं डालना, नहीं तो ये चिपक जाएंगी। तो इसके बाद हम इन्हें थोड़ी देर फ्राई होने देंगे और तेल को हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा बॉल्स के ऊपर डालेंगे। उसके बाद जब हल्की सी ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी इसके बाद हम इन्हें पलट पलट कर फ्राई कर लेंगे और इन्हें हमें ज़्यादा पलटना नहीं है, नहीं तो ये टूटने लगेंगी। तो बहुत ही हल्के हाथ से हम इन्हें चारों तरफ से पलट पलट कर फ्राई करेंगे। तो ये हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो अब हम इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे। इस तरह की हमें इन्हें फ्राई करना है और बहुत ही जल्द और बहुत ही टेस्टी हमारी यहाँ पर कद्दू की शाही सब्जी बनकर तैयार होती है। तो इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट पर। तो यहाँ पर हम कढ़ाई गर्म कर लेंगे और 1 से 1.5 चम्मच हमने ऑयल डाला है। इसके बाद 1 इंच का हमने दालचीनी का टुकड़ा डाला है, 1 इलायची डाली है। इसके बाद हमने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ डाली हैं और 4-5 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, तो वो भी कट करके डाल दी हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा अदरक लिया था वो डाल दिया है और 1 हरी मिर्ची ली थी इसे कट करके डाल देंगे और 2 सूखी लाल मिर्ची ली हैं वो भी डाल देंगे और 1 चम्मच हमने खसखस दाना लिया था तो वो भी ऐड कर दिया है और यहाँ पर हमने 5 से 6 काजू लिए थे तो वो भी ऐड कर दिए हैं और 2 चम्मच हमने धनिया लिया था साबुत वाला वो भी ऐड कर दिया है और यहाँ पर हमने 7 से 8 काली मिर्ची और 1/2 चम्मच जीरा लिया था तो वो भी ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसे फ्राई होने देंगे।
और इसे हम थोड़ा सा चला लेंगे। तो इस तरह से ग्रेवी बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनकर तैयार होगी। और एक टमाटर लिया था बड़े साइज का, तो इसे हमने रफली चॉप करके ऐड किया है। और इसके बाद हम इसे 1 से 2 मिनट पकाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा ये सॉफ्ट होने के बाद गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गए हैं, इसके बाद गैस को ऑफ कर दिया है हमने यहाँ पर, और इन्हें हल्का ठंडा करेंगे। तो ये ठंडे हो गए हैं, इसके बाद हम इन्हें मिक्सर जार में डालकर इसका पेस्ट बनाएंगे। गर्मा गर्म हमें इन्हें नहीं पीसना है। यहाँ पर हम मसाला पीस के तैयार कर लेंगे और एक कढ़ाई गर्म करेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई गर्म हो गई है, हम इसमें 1 चम्मच ऑयल और डालेंगे, क्योंकि हमने ऑयल पहले से डाल दिया है। तो यहाँ पर हमने 1 से 1.5 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल किया है। और इसके बाद हमने 1/2 चम्मच जीरा डाला है और 1/2 चम्मच इसमें हमने हींग डाली है, इससे हम तड़का लगाएंगे। और इसके बाद हमने 1/2 चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाली, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आता है। इसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया था वो इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। और गैस को मीडियम ही रखेंगे और इसके बाद हम इसे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर हम 5 से 7 मिनट अच्छे से इसे चलाते हुए पकाएंगे, जिससे कि जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना होता है, जिससे कि ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा रिलीज होने लगा है, इसके बाद हम इसे थोड़ी देर और चलाते रहेंगे। और यदि ये मसाला कढ़ाई में चिपकता है तो थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, पर कंटिन्यू चलाएंगे तो ये नहीं चिपकेगा। और इसे हम चलाते रहेंगे थोड़ी देर और। तो इस तरह से इसमें बबल्स आने लगे हैं। थोड़ी देर और पकाने के बाद हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने कोफ्ते में भी नमक ऐड किया है, तो नमक थोड़ा कम ही डालेंगे। और ये अच्छे से पक गया है और इसमें ऑयल भी रिलीज होने लगा है, तो इसे हम ढककर 1 से 2 मिनट और पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही बढ़िया आया है और ऑयल भी अच्छे से इसमें रिलीज हो गया है। तो इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और मैंने यहाँ पर जो घर में हमारी मलाई होती है वही हमने 1 से 2 चम्मच इसमें ऐड कर दी है, तो ये हमने फ्रेश ही ली है। और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और इसका इस्तेमाल आप गार्निशिंग में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रेवी को थिक ही रखना है, तो 1/2 कप इसमें हमने पानी ऐड किया है। आप अपने ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, जिससे कि जो इसकी थिकनेस है हम इसी तरह की चाहिए है, तो पानी पकने के बाद इसी तरह की इसमें थिकनेस आएगी। तो इतना ही पानी हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से बॉयल होने देंगे। और ये अच्छे से बॉयल हो गया है, तो इस तरह की हमें थिकनेस चाहिए है ग्रेवी में, जिससे कि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी सी और थिक होगी। तो यहाँ पर हमने जो कोफ्ते लिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे ही कोफ्ता बोल इसमें हम ऐड कर दिए हैं और इसे अब हम गैस को ऑफ करेंगे और ढक देंगे। तो कोफ्ता हमें पहले से ऐड नहीं करना है, ग्रेवी हमारी पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी इसके बाद ही हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है और सारे ही घुल जाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, या तो आप सर्व करें तभी इसमें ऐड कर दें, या फिर बनने के बाद ऐड करें और गैस को ऑफ कर दें। और इसे हरा धनिया पत्ता से इस तरह से हम गार्निशिंग करेंगे और इसके बाद इसे ढक देंगे। तो यहाँ पर हमारी कोफ्ता ग्रेवी बनके तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनके तैयार हुई है। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इसी तरह से हमने अपने चैनल पर बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं, दम आलू, छोले की सब्जी,
और भी बहुत सारी रेसिपी तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यदि आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक करें। और इसी तरह की रेसिपी देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।